गुड इवनिंग संध्या। गुड इवनिंग आमरीन, गुड इवनिंग अनिमेश, गुड इवनिंग राजेश। गुड इवनिंग जानवी, गुड इवनिंग सरोज, गुड इवनिंग दुर्गेश्वरी, गुड इवनिंग अर्फी, गुड इवनिंग निशी। सो आज का क्लास हमारा रैपिड फायर है 2018 दिसंबर, इसके पहले ऑलरेडी 2019 जून जुलाई। गुड इवनिंग अब्बास, गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग उर्फी, है ना, ये सब हमने ऑलरेडी इसके पहले कर रखा है, राइट। जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स में सभी को लिंक शेयर करके आओ, PYQ रैपिड फायर शुरू होने वाला है, जितने सब रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, तो जल्दी से शेयर करके आओ। एंड यस, बार बार सब मुझसे पूछते हो कि मैम आपका ऐप को कैसे एक्सेस करना है, तो ये देखो सामने है, देखो प्यार से ये बता रहा है, कुछ नहीं करना, ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको सामने सारे कोर्सेज मिलेंगे। और ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि हर कोर्सेज को इनरोल कर लो, स्पेशली जो सारे फ्री कोर्सेज है तो उनको तो इनरोल कर ही लो। मॉक टेस्ट भी आज मैंने यूनिट 3 का फुल मॉक टेस्ट दिया, आई होप कि आप लोगों ने दिया है, बट आप लोगों ने स्कोर शेयर नहीं किया है, तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं दिया है वो स्कोर वो दो, और जो लोग दे चुके हैं वो स्कोर शेयर करो। प्रणाम सुचिता, गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग राशि, गुड इवनिंग नफिशा, ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज को इनरोल कर लो। अब इधर मॉक टेस्ट पेपर 1 नहीं दे रही थी, अब वो भी स्टार्ट होगा कल या परसों से। एंड यस, कल हमारी मॉर्निंग में 6 AM ये वाली PYQ कोर्स की क्लासेज है, याद रखना कल मॉर्निंग में हमारी ये वाली कोर्सेज है, और इसको भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी, बट ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से एड ऑन होना। कल सुबह 7 बजे, आई मीन 6 बजे, हम लोग 7 AM पे यूनिट 7 के PYQ करेंगे, यूनिट 7 के PYQ करेंगे। गुड इवनिंग सुजीत, गुड इवनिंग रितू, तो याद रखना कल मॉर्निंग 7 AM यूनिट 7 PYQ होगा, ठीक है, यूनिट 7 PYQ, क्योंकि जल्दी से हम लोग यूनिट 10 तक फिनिश करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड MCQ स्टार्ट करेंगे इसी कोर्स के अंदर, ठीक है, तो यूनिट 7 PYQ कल होगा, तो बी रेडी एवरीवन, अपनी अपनी यूनिट 7 को रिवाइज कर लेना। और यस, किसी भी कोर्स के अंदर जाओगे तो गाइस यहाँ कोर्सेज को रेट करने का ऑप्शन आता है, प्लीज कोर्सेज को रेट करो एंड बताओ कोर्सेज कैसा है, हाउ टू टीचिंग स्टाइल एंड ऑल, ठीक है। सो चलो रेडी हो सब, जल्दी से थम्स अप वाला, यस 6 AM सुचिता, जल्दी से थम्स अप वाला साइन दे दो सभी के सभी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रेडी हो सब, थम्स अप वाला साइन दो फटाक से सब, यस मैम रेडी है। तो चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, करो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन करो। थैंक यू प्रणव, फर्स्ट क्वेश्चन। और यस, इट्स अ रिक्वेस्ट सभी से कि प्लीज आंसर याद किया हुआ आंसर मत देना, कंसेप्ट को अच्छे से करो, पढ़ो और तब दो, तब मजा आएगा। गुड इवनिंग मुनमुन, सो जल्दी जल्दी आंसर दो सब इसके। ओके वेरी गुड, आमरीन ने दे दिया है, ठीक है देखते हैं। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड पुष्पलता, चलो आ जाओ, वेरी गुड, देखते हैं। रैपिड फायर है तो कोई भी दो बच्चा पहला आंसर देगा मैं तुरंत नेक्स्ट बता दूंगी, तो आ जाओ। बिल्कुल, यहाँ वैलिडिटी के बारे में पूछा और हमने पढ़ा है, कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव, कंकरेंट, कंस्ट्रक्ट, हमने सारी वैलिडिटीज पढ़ी है, राइट।
जब हम बात करेंगे कंटेंट वैलिडिटी, मैंने आपको कीवर्ड ही बताया था, कंटेंट वैलिडिटी क्या बताएगा, नॉलेज ब्लूप्रिंट, आपने कितना पढ़ा है उसी का आपसे टेस्ट लिया जा सकता है, उससे एक्स्ट्रा का टेस्ट नहीं लिया जा सकता है, जो पढ़ा है सिर्फ उसी का हम टेस्ट ले सकते हैं, राइट। तो ये मेरा किसके आएगा, अब देखो यहाँ नॉलेज की बात कौन कर रहा है, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, ये बिटवीन टू मेजर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मेरा नॉलेज स्ट्रक्चर। अभी तक चलते हैं कि यही मेरा सी का वन होगा। नेक्स्ट प्रिडिक्टिव, हम जानते हैं प्रिडिक्टिव मेरी फ्यूचर की बात करता है, प्रिडिक्टिव हमको बताता है कि हम आगे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या क्या परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, ये बताता है आपको प्रिडिक्टिव, है ना। तो प्रिडिक्टिव जब हमको ये बताता है तो देखो यहाँ प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट कब आएगा, कोई चीज का प्रोसेस होगा या कुछ होगा तभी तो प्रोडक्ट आएगा, है ना, उसके अलावा प्रोडक्ट कब आएगा। गुड इवनिंग एस, गुड इवनिंग शिल्पा। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, प्रिडिक्टिव का ए। तो देखो यहाँ पर ए टू सी वन अभी तक मिल गया है। आज जो कंकरेंट करकरेंट जो कि प्रेजेंट मेजर से बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, यानी बिटवीन टू मेजर जो करेंट प्रेजेंट हो सिमिलर हो, तो ये। और हमारा फिर डी क्या है, आई मीन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो कि कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं ऐसे जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल बताओ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का, जल्दी से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एग्जाम्पल। यस प्रणव, ये पेड क्लास के अंदर चल रही है तो इस वजह से, तो मे बी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि पेड क्लास तो फ्री नहीं है ना इस वजह से। वेरी गुड। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारे हमारे कहाँ आएंगे, साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, जिसको कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यस वेरी गुड। एक और आई डोंट नो मैंने रिविजन सीरीज में कराया है कि नहीं, बट कर लो, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। मैंने कोर्स में तो पढ़ाया है पर रिविजन सीरीज में कराया है कि नहीं बट पता नहीं, तो इसलिए इसको भी लिख लो, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है, ये वो वैलिडिटी है कन्वर्जेंट वैलिडिटी जहां पे हम दो मेजर्स लेते हैं, टू मेजर्स लेते हैं, एंड ये सपोज किए जाते हैं कि इनको हम सेम कंस्ट्रक्ट में मेजर करें, टू मेजर्स, है ना, दैट आर सपोज्ड टू, और ये पेपर वन में आया हुआ है, दैट आर सपोज्ड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट एंड सोज, सेम कंस्ट्रक्ट, ध्यान रखना ये इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है, सेम कंस्ट्रक्ट, और सोज करते हैं कि ये आपस में क्या है, रिलेटेड है, दैट दे आर रिलेटेड। मतलब इसको ऐसे कहा जाता है, ये कौन सी वैलिडिटी है, एक ऐसी वैलिडिटी है जहां पे असेसमेंट मेजर, ये जब हम वैलिडिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये कंपेयर किया जाता है इसको एक मेजर को, मेजर वन मान लो कोई एक एस्पेक्ट होगा उसको दूसरी एस्पेक्ट के साथ मेजर किया जाता है सेम कंसेप्ट के अंदर, सेम कंसेप्ट के अंदर, और इसीलिए यहाँ लिखा है सेम कंस्ट्रक्ट या सेम कंसेप्ट के अंदर, फ्रॉम डिफरेंट मेथड, हम डिफरेंट मेथड ले सकते हैं लेकिन सेम कंसेप्ट के अंदर। गुड इवनिंग नीलू। और इसको हम लोग कन्वर्जेंट वैलिडिटी, मतलब कहने का सेंस सीधी सी बात है, डिफरेंट मेथड लिया है सेम कंस्ट्रक्ट के अंदर, तो देखो ये खुद कन्वर्ज कर रहा है इस वजह से। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, चले नेक्स्ट। चलो तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 4। वेरी गुड, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशंस को लाइक करते चलो सभी को। रिपीट उर्फी, ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो होता है ना, कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो होता है उर्फी, सीधा से याद रखना, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर कल भी एक लर्नर ने मुझसे पूछा था, आई थिंक सुचिता ने ही पूछा था, कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम सीधा सा क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि दो कंसेप्ट सेम कंसेप्ट के अंदर हम डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज करके उसको मेजर करते हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं अपनी वैलिडिटी को, ठीक है, कन्वर्ज कर रहे, दैट इज यस, वेरी गुड। यहाँ क्या पूछा, लाइफ स्पेस कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट, हम जानते हैं कर्ट लेविन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पी इक्वल्स टू एफ इंटू ई, है ना, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट किसका फंक्शन है,
कर्ट लेविन कहते हैं कोई भी पर्सन किसका फंक्शन है, वो अपने पर्सन खुद का और इन्वायरमेंट का फंक्शन है ना। फिर वो बोलते हैं कि ये एक स्पेस है, लाइफ स्पेस है, जिसके अंदर मेरी साइकोलॉजिकल एंटिटी है, जिसके अंदर मेरे फोर्स वेक्टर, फोर्स हमको फोर्स करेगा कि हम अपने गोल तक पहुंचे, वेक्टर भी हमको फोर्स करेगा, फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेक्टर भी मेरा ऐसा हो सकता है। पर इस लाइफ स्पेस के बाहर एक ऐसा स्पेस होता है जो जिससे हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसी को कहते हैं नॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या फॉरेन हल, फॉरेनर की तरह लगेगा, अरे कभी देखे ही नहीं है। कंचन ये रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। और आज का यूनिट 3 का मॉक टेस्ट दिया है सबने, अगर नहीं दिया है तो देना। याद नहीं आ रही, इतनी जल्दी नहीं पुष्पलता, पढ़ के दिया करो, दो क्वेश्चन हार्डली हुए हैं, डोंट वरी। यस वेरी गुड, नेम ऑफ द एडवोकेट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पूछ रहा है, कंसेप्ट लर्निंग पूछ रहा है। हल किसने दिया है, हल ने क्या दिया है, ड्राइव रिडक्शन, हो जो यहाँ पे ड्राइव नहीं है तो नीड लिखा है, तो हल का तो ये गया। टॉलमैन ने क्या दिया है, साइन लर्निंग, तो ये देखो कितने सारे साइन लर्निंग दिए, जल्दी जल्दी बताओ, 6 साइन लर्निंग कौन कौन सी है ना। फिर थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, जल्दी बताओ, SR बॉन्ड लर्निंग है ना। स्किनर ने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और कोलबे ने क्या दिया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जल्दी बताओ कंसेप्ट मैपिंग किसने दिया है, जल्दी बताओ। वेरी गुड सुपर्णा, वेरी गुड उर्फी, जल्दी बोलो गाइस, वेरी गुड मधुस्मिता, वेरी गुड मुनमुन, जल्दी बताओ। रूनर ने नहीं, नाना जल्दी बताओ कंसेप्ट मैपिंग किसने दिया है। मैं नहीं बताऊंगी, मैंने रिवीजन सीरीज में भी कराया है ये। ब्रूनर ने नहीं दिया है, टोनी बुजैन ने, कंफर्म, ऑसुबेल भी आंसर आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो कंफर्म करो। यस गुड, माइंड मैपिंग टोनी बुजैन ने दिया है, वेरी गुड सुपर्णा। जोसेफ डी नोवैक ने दिया, याद रखना जोसेफ, ए पुष्पलता वो माइंड मैपिंग है, जोसेफ डी नोवैक, ठीक है, नोवैक ने कंसेप्ट मैपिंग दिया है। जोसेफ, गुड इवनिंग जोशना, जोसेफ डी नोवैक ने कंसेप्ट मैपिंग दिया है, और जो आप लोग माइंड मैपिंग कर रहे हो वो आपका टोनी बुजैन ने दिया है, जो टोनी बुजैन कह रहे हो, ठीक है। ऑसुबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग दिया है, उल्टा फुलटा नाम नहीं बोलना है, तो ये लिख लो अपनी कॉपी में, कंसेप्ट मैपिंग किसने दिया, जोसेफ डी नोवैक ने दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यस वेरी गुड शिल्पा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ बिल्कुल, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, इसलिए तो मैंने बोला है, आपने सुपर्णा अभी तक स्ट्रेटेजी वाले वीडियो नहीं देखी है, वेरी गुड। यहाँ हमारा क्या होगा, सबसे पहले कौन सा कोर्स आया, कोरेस्पोंडेंस कोर्स आया, फिर आया हमारा डिस्टेंस लर्निंग, फिर आया हमारा ओपन लर्निंग, और फिर फाइनली ई लर्निंग, जो कि अभी बहुत फास्ट चल रहा है। यस ठीक है, और बाकी कोर्सेज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहले ई लर्निंग को बोल दे रहे हैं, बाद में ओपन लर्निंग बोल रहे हैं, तो नो, सबसे लास्ट में अभी ना ई लर्निंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। यस वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एकदम वेरी गुड सुपर्णा, चलो एकदम जल्दी जल्दी करो, हम लोग का आज का टारगेट है 50 क्वेश्चंस खत्म कर लेना है, एनी हाउ फटाक फटाक करो,
वेरी गुड टीना, वेरी गुड संध्या. चलो देखते हैं, आ जाओ. कह रहा है विच आर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आर मोस्ट रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, है ना. कौन सा है जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात. अरे अरे तो आ जाओ. सबसे पहला बोला इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड रीजन. बिल्कुल ये सही है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, किसी भी कास्ट कलर रीजन को ध्यान में नहीं रखना है. वेरी गुड. नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अदर सपोर्ट सर्विसेज टू द नीडी. बिल्कुल नीडी को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये भी इक्वालिटी है. गुड. नेक्स्ट इंश्योरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर लो इनकम एंड इक्वालिटी एडवांटेजेस ग्रुप. ये भी इक्वालिटी में है कि भाई उनको भी एक्सेस करने का मौका मिलना चाहिए. गुड. पर यहाँ क्या बोल रहा है, इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटी. हम कैपेबिलिटी नहीं देख रहे हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ हम उनको दिए जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. तो इसीलिए हमारा यहाँ क्या होगा, 1, 2 और 3. अब आते हैं जो लोग ये बोल रहे हो 2, 3 और 4, 1 को नहीं बोला. आ जाओ. बिल्कुल यहाँ क्या, पहले पहले तो देखो इक्वालिटी की बात की, दूसरा किस चीज की बात की है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है. ठीक है, दो चीज की बात करिए, बोल रहा है इस कंटेक्स्ट में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली हमारे ये तीन है. ये बोल रहा है इक्वल ट्रीटमेंट दे दो, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखो. दिस इज नॉट गुड इक्वालिटी. मतलब अगर आपको जरूरत भी नहीं है, आपको जबरदस्ती का लड्डू पे लड्डू खिलाया जा रहा है, खाए जाओ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए. दैट इज नॉट गुड, तो गलत है. चलो ये करो. अब ये देखते हो कितने लोगों ने मेरी करिकुलम, हाँ कितने लोगों ने मेरे मेरे करिकुलम वीडियोस से रिवाइज किया. वहां मैंने एक एक फाउंडेशनल फिलॉसफी ऑफ करिकुलम को डिस्कशन करा है, और पेड क्लास में तो डिटेल में पढ़ाया ही है. तो जल्दी बताओ. वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पुष्पलता, वेरी गुड टीना. चलो आ जाओ. क्या बोल रहे हैं, कंटेम्प्ररी एजुकेशनल थ्योरीज है, यानी ऐसी थ्योरी जो समकालीन शिक्षा में है. वेरी गुड अपार्थ, वेरी गुड रितु. विल इंडोर्स द व्यू दैट द ओनली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, एक ऐसा एडजस्टमेंट जो कि एजुकेशन को कहाँ लेके जाएगा, एडजस्टमेंट की ओर. हेलो शिवांगी, एडजस्टमेंट की ओर जिधर यूनिवर्सल और अनचेंजिंग होगा. क्या होगा, यूनिवर्सल और अनचेंजिंग, मतलब बदल नहीं रहा और अनचेंजिंग है, तो वो कौन सा रहेगा. वेरी गुड प्रणव, पेरिनियलिज्म. जल्दी से बताओ, मैंने बताया है कीवर्ड कि पेरिनियलिज्म किससे मिलता जुलता है, किसका एंसेस्टर माना जाता है पेरिनियलिज्म को, आइडियलिज्म. मतलब किसका, किसकी थ्रू आया है, आइडियलिज्म के थ्रू, है ना. एग्जिस्टेंशियलिज्म में तो हम जानते हैं क्या कीवर्ड है हमारा, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट, आई, है ना, पेन, सोरो, ये सारा कुछ. प्रोग्रेसिविज्म कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा थोड़ा प्रैग्मेटिज्म और थोड़ा थोड़ा रियलिज्म पे भी सपोर्ट करता है ना. हाँ वेरी गुड दीपाली, यस. और इसेंशियलिज्म क्या बोलता है, कोई भी चीज इसेंशियल है. ये सब हमने, ये कौन से यूनिट का है, ये यूनिट 5 का है, जिसमें हम पढ़ते हैं फाउंडेशनल फिलॉसफी ऑफ करिकुलम, फाउंडेशनल बेस ऑफ करिकुलम. याद करो, मैंने एक एक कीवर्ड बताया है वहां पे, इसलिए ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चन आ सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से. यस वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. वेरी गुड अब्बास, अब एनसीटीई का फंक्शन पूछ रहा है. एनसीटीई का फंक्शन खोजो फटाक फटाक, कीवर्ड से खोजो जल्दी जल्दी. शिल्पा पेरिनियलिज्म हमने पढ़ा था ना यूनिट 5 में, फाउंडेशनल. पेरिनियलिज्म मतलब पेरिनियल, जो हमेशा लगातार, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आइडियलिज्म की तरह है. जैसे आइडियलिज्म बोलता है कोई चीज नहीं बदलेगा, उसी तरीके से पेरिनियलिज्म भी बोलता है. ये भी एक फाउंडेशन फिलोसॉफिकल बेस है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए. ठीक है शिल्पा, यूनिट 5 का रिविजन सीरीज देखना, वहां कराया है. तो आ जाओ, यहाँ क्या है, एनसीटी के फंक्शन पूछा. भाई एनसीटी का फंक्शन पूछा तो सबसे पहले तो आ जाओ हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें से ऐसा कीवर्ड है जिसको हमको रखना है. तो बिल्कुल एनसीटी कमर्शियलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, यस सही है. डिटरमाइन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन, ये तो सबसे बड़ा कीवर्ड है. मैंने कीवर्ड के टाइम भी बोला था याद रखना. अच्छा एक और है जिसके लिए ये कीवर्ड है, डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस, वो किसके लिए है,
लेकिन वहां पे टीचर एजुकेशन नहीं होता, वहां यूनिवर्सिटीज होता है. बताओ वो किसके लिए है? डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस. वेरी गुड दुर्गेश्वरी, यूजीसी के लिए है. किसके लिए है? यूजीसी के लिए है. वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड राशि, वेरी गुड. तो बिल्कुल अच्छा, देख लो यहाँ पर जो लोग, एक मिनट, गलत क्वेश्चन नहीं, ठीक है, 2 and 4 है इसका. कैसे आ जाओ? पहला तो डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस, दूसरा प्रिवेंटिंग कमर्शियल, ये 2 इसके मेन फंक्शन है. ठीक है, एक बार मैंने यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 3 होगा. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 3 होगा. पर एनसीटी फैकल्टी इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिक्रूटमेंट नहीं करता है फैकल्टी. ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं करता है, याद रखना, रिक्रूट नहीं करता, ना ही एडमिशन लेता है. वो क्यों लेगा एडमिशन? वो तो रूल्स बनाएगा ना, वो कंडक्ट करेगा और कंडक्टिंग एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन भी एनसीटी थोड़ी कराते हैं, वो तो वहां की अथॉरिटी कराती है. टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बोल रहा है एग्जामिनेशन कराने का नहीं, है ना, एडमिशन लेने के लिए बोल रहा है. ये भी वहां की फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो लोग करेंगे, ये नहीं. ये 2 काम है इसका, डिटर्मिनेशन मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन, ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है. और दूसरा प्रिवेंटिंग कमर्शियलाइजेशन. तो 3 and 4 यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था 3. एक मिनट रुको, इसको अभी चेंज कर लेते, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा. अब्बास नहीं, एग्जाम कराता है, लेकिन देखो ना अब्बास यहाँ पे क्या बोल रहा है. आप पहला बात तो आपको ऑप्शन से जाना है. दूसरी बात अब्बास की, आप यहाँ देखो बोला कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. एग्जाम एनसीटी किस लेवल, कौन सी एग्जाम है जो एनसीटी कंडक्ट कराती है? बताओ मुझे कौन सी एग्जाम है जो एनसीटी कंडक्ट कराती है, बताओ. हमारी जो क्या बोलते हैं पीएचडी एग्जाम्स है या कोई भी एग्जाम्स है, वो मोस्ट ऑफ द यूजीसी कंडक्ट कराती है ना. बस यूजीसी या एनटीए ये कराते हैं, एनसीटी नहीं. एनसीटी सिर्फ रूल्स रेगुलेशन डिटरमाइन करेगी कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे कि नहीं. वो क्या देगी? एनसीटी आती है आपके क्लास, आपके कॉलेज में देखने के लिए कि आप जो जो भी पैरामीटर्स हैं वो फॉलो कर रहे हो या नहीं, है ना. बस चलो ये क्वेश्चन करो. आप कोई भी देख लो, सीयू सेट एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, मोस्टली सभी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? हमारा एनसीटी थोड़ी, यूजीसी ना, या फिर कोई और, बट एनसीटी नहीं. आ जाओ यहाँ क्या पूछा है, मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है. तो आ जाओ टीचर एजुकेशन से हमारा एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीटी, ये 3 तो डेफिनेटली रिलेटेड है. और हमको ऑप्शन में ऐसे भी 3 ही पूछ रहा है, 3, 4, 5. सीबीएसई किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ? स्कूल से रिलेटेड है. सीबीएसई किससे रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड है, है ना. और आईसीएसएसआर किससे रिलेटेड है बताओ? ये क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लो. 2020 में भी आया था, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, है ना. हाँ, ये किसके, ये 1969 में स्टैब्लिश हुई थी, ध्यान रखना. कब स्टैब्लिश हुई थी? 1969 में. और ये भी फेलोशिप्स वगैरह दे दिए. जैसे मान लो कोई ऐसा है लर्नर है या कोई ऐसा रिसर्च स्कॉलर है जिसको जेआरएफ नहीं अवेल कर सकता, उसका एज क्रॉस हो चुका है, तो वो आईसीएसआर के थ्रू या अगर नेट है और जेआरएफ नहीं है तो वो इसके थ्रू भी अपनी फेलोशिप को अवेल कर सकता है पीएचडी करते समय. यस, वेरी गुड प्रणव. चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट. अब ये देखो, लास्ट वाले क्लास में किसी को कंफ्यूजन था तो मैंने बोला था कि वो चीज है. अब ये देखो यहाँ पे बताओ क्या होगा, ये ध्यान में नहीं है नीलू. और अभी कोई सेशन लाइक करो, अभी तक किसी ने भी सेशन लाइक नहीं किया, लाइक करो गाइस. चलो आ जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड अब्बास, वेरी गुड पुष्पलता. आ जाओ देखते हैं यहाँ पर. अब ये क्या है हमारा, आ जाओ कोरिलेशनल रिसर्च. बताओ मुझे यहाँ पे कोई 2 का रिलेशन देख रहा है क्या? नहीं. तो ये तो गया डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में कोई प्रेजेंट चीज पे इफेक्ट देखना, ये क्या देख रहा है? एग्जामिन कर रहा है जेंडर
इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी सिस्टम, यानी इफेक्ट ऑफ जेंडर कौन है, मेल या फीमेल का एटीट्यूड क्या है किसकी तरफ, डाउरी सिस्टम की तरफ। अब मुझे बताओ क्या आप इस मान लो जेंडर का इफेक्ट देख रहे हो, मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा, कभी मेल कभी फीमेल, मुझे बताओ कि क्या आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, क्या आप मेल को फीमेल और फीमेल को मेल कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। और उनके डॉरी सिस्टम की ओर देख रहे हो डिपेंड, यानी उनका एटीट्यूड को भी आप नहीं बदलने की कोशिश कर सकते हो। तो दैट इज वाई यहाँ क्या होगा, कैजुअल कंपैरेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो भी बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा कैजुअल कंपैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, अब ये तो न्यूमेरिकल है, अभी हाल नहीं करा है, जल्दी से सॉल्व करो फटाक से और बताओ आंसर क्या होगा, सॉल्व करके मुझे बताना है। सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड, बिल्कुल। सबसे पहले हम जेड स्कोर निकालेंगे, लेकिन जेड स्कोर किसका निकालेंगे, जेड स्कोर किसका निकालेंगे सबसे पहले, वेरी गुड दुर्गेश्वरी। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले एन दिया है कितना 360, मीन कितना दिया है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 9, ठीक है, यस वेरी गुड संध्या, 9 दिया है ना। और रॉ स्कोर दो दिए हैं 36 और 54, यस वेरी गुड सुपर्णा, 36 और 54। तो हम जेड दोनों का निकालेंगे, एक बार 36 के साथ निकालेंगे, एक बार 54 के साथ निकालेंगे। तो 36 माइनस 45 अपॉन 9 और एक बार 54 माइनस 45 अपॉन 9, तो कितना आया दोनों के केस में, यस वेरी गुड, माइनस 1 और प्लस 1, गुड, माइनस 1 और प्लस 1। लेकिन हमसे क्या पूछा है, आउटसाइड द लिमिट पूछा है ना, आउटसाइड द लिमिट। तो अगर हम बनाएंगे, मान लो ये मेरा मीन, ये मेरा माइनस वन और ये मेरा प्लस वन, तो आउटसाइड ये वाला और ये वाला, तो हम जानते हैं एक साइड 16 के अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स 16, तो दूसरा साइड भी 16, तो दोनों का पूछा है तो कितना हो जाएगा 32, है ना, यस वेरी गुड अब्बास, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, अब्बास 68.26 तो बीच का आया ना, बाहर का निकालना है, अगर बीच का पूछता तब आप आंसर सही बता रहे हो 68.26, पर हमसे कहां पूछा था, आउटसाइड द लिमिट है ना, हाँ वेरी गुड, अभी सही है, 100 माइनस कर दिए तो ठीक है, वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड संध्या, आ जाओ बिल्कुल। यहाँ लीडरशिप स्टाइल पूछा है, लीडरशिप स्टाइल का बताओ, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, काम काम काम, नो रिलेशन नो रिलेशन, सबसे ज्यादा काम करा कब कराया जाता है, वेरी गुड संध्या, जब जब, वेरी गुड नफीशा, सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा गुड। जब हम एकदम नए होते हैं और हमसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, तो हम कौन सा है जहां जबरदस्ती काम कराया जाएगा, तो टेलिंग स्टाइल में, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, तो जो लोग सी बोल रहे हो वो सही हो, हेलो विश्वजीत कैसे हो, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, काम भी ज्यादा रिलेशनशिप भी ज्यादा, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, तो जल्दी से बताओ हाई टास्क हाई रिलेशनशिप में कहाँ पड़ जाएगा, टास्क भी ज्यादा रिलेशनशिप भी ज्यादा, दोनों बराबर है, यानी ये कौन सी स्टाइल में जाएगा हमारी, सेलिंग स्टाइल में, है ना, मैं अच्छी हूँ विश्वजीत आप बताओ। फिर लो टास्क हाई रिलेशनशिप, टास्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, मजे करो घूमो फिरो, कहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, जब हम पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में होंगे तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, और फिर दोनों कुछ नहीं होगा, लो टास्क लो रिलेशनशिप तो डेलीगेटिंग स्टाइल, यहाँ पे जो लीडर है वो एकदम मस्त हो चुका है, उसको समझ में आ गया है, यस पिज़्ज़ा बॉय, उसको समझ में आ गया है कि अब हम अपना काम दूसरे पे भी छोड़ सकते हैं, ओके अब्बास, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नाइन, वेरी गुड नफीसा, पिज्जा स्टोरी कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने पिज्जा स्टोरी नहीं देखा है, उस लीडरशिप स्टाइल के लिए, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो गाइस सब कोई,
चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है, इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड विच फैक्टर टेंड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में कौन सा फैक्टर जो सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड की बात कर रहा है ना, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। अब आ जाओ, हम जब सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाओ, लोकेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स नेबरहुड। बिल्कुल, मेरे आस पास के लोग कैसे होंगे, हम उनसे सीखेंगे। मेरा बच्चा जाएगा खेलने के लिए भाई बाहर, तो सीख के आएगा वहां से, मारेगा अगर देख रहा है कि वो वहां पे तो चोरी चल रहा है, बच्चा को मारपीट चल रहा है, तो वो भी वही सीख के आएगा। तो फैमिली का लोकेशन कहाँ है और नेबरहुड कहाँ है, यहाँ से वो सोशलाइज होकर के आएगा। हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करेंगे तो जहां से वो खेल करके आ रहा है इसकी बात करेंगे, है ना। बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, अब मुझे बताओ, कह रहा है पार्टिकुलर कम्युनिटी, ये नेगेटिव टर्म हो गया, क्योंकि सोशलाइजेशन के लिए हम किसी एक जगह फिक्स नहीं होना चाहिए, एवरीवेयर। ये पार्टिकुलर की वजह से सोशलाइजेशन का ऑप्शन में नहीं आया, तो इसलिए ये चला गया। नेक्स्ट आते हैं इलिटरेसी ऑफ फैमिली। इलिटरेसी ऑफ फैमिली क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि अब यहाँ पे इस एस्पेक्ट को समझना कि इलिटरेसी क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है गाइस, मुझे बताओ क्या बोला है। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, फैमिली पढ़ाओ हो या ना पढ़ाओ, परिवार साक्षर हो या नहीं हो, मुझे बताओ क्या हमारे जो ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स हैं वो प्रॉपरली सोशलाइज्ड है कि नहीं, वो हमें सोशलाइजेशन सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, बताओ, सिखाते हैं ना। तो इस वजह से ये भी आ गया, क्योंकि जब हम इसकी बात कर लेंगे, अगर मेरे मान लो हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं ब्रोकन होम एंड एडवर्स फैमिली एनवायरमेंट, जैसे ही हम ये लेके चलेंगे तो खुद सोचो ना गाइस, अगर हम अभी ज्वाइंट फैमिली में हैं और किसी वजह से सब अलग अलग हो गए, तो बताओ बच्चा सोशलाइजेशन सीखेगा या कुछ और ही सीखेगा। तो इस गुड इवनिंग प्रतिभा, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन मेरा कट गया, तो मेरे पास यही तीन ऑप्शन ही बचता है, 1, 2 और 4। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4। चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। और अभी तक सबने सेशन लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करो गाइस। दूसरे के प्लेन में बैठ के, यानी दूसरे की क्षमता में बैठ के, यस बिल्कुल, पहले हम अपनी फैमिली में ही सोशलाइज होते हैं, दूसरे के प्लेन ऑफ में बात करें, यानी दूसरे को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, दूसरे को देखते हैं वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और तब हम डिस्कशन करते हैं। तो वो कहाँ पर डिस्कशन करते हैं, चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में ही बच्चा दूसरे को देख के इमिटेट करेगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा वो इस तरीके से कर रहा है, तो आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। हाँ दिख रहा है सुचिता, ठीक, कुछ पूछे थे क्या, अगर पूछे होगे तो छूट जाओ, क्योंकि कमेंट बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टॉलमैन का। आज यूनिट 3 में सारा क्वेश्चन पूछा है याद कराने के लिए कि कितनों को याद रहता है। और कल मॉर्निंग में 6 AM क्लास है, याद रखना यूनिट 7 की PYQ करेंगे, जल्दी जल्दी इन PYQ को खत्म करेंगे, तब यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड शुरू करेंगे, यूनिट वाइज या ओवरऑल एक्सपेक्टेड, और मेरी एक्सपेक्टेड तो भाई बच के रहना, क्या दिक्कत था उसमें, कुछ तो था ही नहीं, सीधा पूछा है दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्लेन में बात करना नशरुल, ठीक है, दूसरे को ध्यान में रख के बात करते हैं, बिल्कुल आ जाओ। 14 यहाँ पे क्या होगा, कैथेक्सिक्स। अब जल्दी से बताओ ये इक्विवेलेंस बिलीफ किसने दिया है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन का टॉलमैन किसके साथ रिलेट करता है, और कॉग्निशन मोड किसके साथ रिलेट करता है। क्यों हंसा पुष्पलता, यस वेरी गुड, इक्विवेलेंस बिलीफ, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड, हल के साथ, इक्विवेलेंस बिलीफ, वेरी गुड, स्किनर के साथ, और ये कॉग्निशन मोड, वेरी गुड, गेस्टाल्ट के साथ, याद रखना कभी भी कोई भी आ सकता है इसमें से, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करो, शेप ऑफ द कर्व शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटाइल रैंक। हाँ कॉग्निशन मोड थोड़ी था वो, गदरी का तो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है ना उर्फी, गदरी का मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, याद रखने के लिए याद रखना, गुदरा टाइप, मोटा मोटा जिसको होता है उसको गुदरा ज्यादा होता है, ऐसे कुछ भी याद रखना, यस वेरी गुड मधुस्मिता।
वेरी गुड अब्बास। चलो ये बताओ जल्दी से, अब याद करो, आप लोग अलग अलग जगह देते होगे तो आपको दिखाता होगा ऐसे करके और इस तरीके से शो करता होगा, तो ये क्या शेप आ रहा है हमारा, परसेंटाइल रैंक का, रेक्टेंगुलर शेप, ध्यान रखना रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप। लेप्टोकर्टिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेप्टोकर्टिक तो मेरा ऐसा हो जाता है ना, तो उतना लंबा चला जाता है। मेरा बायमॉडल क्यों नहीं होगा, बायमॉडल का मतलब क्या है, ये वाला तो हमसे बाय मॉडल तो होता नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कर्व के अंदर होता है, पर जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो वो मेरा रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है, और ये मैंने कोर्स में पढ़ाया भी है। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही हूँ ना गाइस, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा फास्ट चल रही होगी तो प्लीज बता देना। क्योंकि ये सब कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है बस आपको। हाँ, एनपीसी इज यूनी मॉडल जुनैद, एनपीसी इज यूनी मॉडल, क्योंकि निशा वो ऐप वो कोर्स के अंदर क्लास कर रही है, इसलिए वो पेड बैच के अंदर से क्लास कर रही है। वेरी गुड सविता, वेरी गुड आमरीन, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड पुष्पलता, बिल्कुल। आ जाओ अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, हम एक एक स्किल्स को खोजते हैं कि आंसर क्या होगा। माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं, माइक्रो टीचिंग में हम क्या सीखते हैं, छोटे छोटे टीचिंग स्किल्स को सीखते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, है ना, क्या सीखते हैं, छोटे छोटे स्किल्स को सीखते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड। तो ए का हमारा 1 होगा, बिल्कुल सही, कोर टीचिंग स्किल सीखते हैं, एकदम सही, ठीक है, कहाँ गया ये रहा। सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, परसेप्चुअल सिमुलेशंस में हम क्या करते हैं, दूसरे के परसेप्चुअल स्किल्स रिलेटेड हम सीखते हैं, यानी कहने का सेंस है हमको हमारे परसेप्शंस को दूसरे को ध्यान में करके रखते हैं। यस जुनैद, तो हमारा 4। इंटरैक्शन एनालिसिस प्रोसीजर में क्या करते हैं, इंटरैक्शन एनालिसिस में हम डायग्नोस्टिक स्किल रिलेटेड करते हैं। एक मिनट, ये कुछ उल्टा तो नहीं जा रहा ना, नहीं, ठीक है ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा इंटरैक्शन का 5, ठीक है। और फाइनली एक्शन रिसर्च की जब बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप देखते हैं, क्यों, क्योंकि एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, खुद ही हम उस स्कूल में खुद ही उस जगह इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम उस कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए हम किस कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, हम खुद ही उस जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर, तो इसलिए इसका आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, 2 जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्मॉल एरिया देखते हैं इस वजह से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करो, अब फिर से आया दूसरा, 2018 में खाली ये स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस थे। चलो ये करो, अब मुझे सिर्फ ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चलो सिर्फ इतना ही बता दो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस लोकल प्रॉब्लम, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और गाइज अभी तक सबने लाइक नहीं किया, लाइक करो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला चलेगा। वेरी गुड पुष्पलता, ठीक है, ऐप से मत करना, वापस आकर के कर देना बाद में। यस वेरी गुड, अब मीन प्लस माइनस वाला क्या, नहीं अब्बास बताओ, अपर वैल्यू वाला और लोअर वैल्यू वाला, देखो यहाँ अपर लिमिट पूछ रहा है, देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया, प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है, तो याद करो हम यहाँ कौन से यूज करेंगे, मीन प्लस माइनस अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू निकालना हो तो मीन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, या फिर मीन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इंटू सिग्मा बाई रूट एन, याद आया, याद आया, सब भूल गए, स्टैटिस्टिक की क्लास को देख लो अच्छे से, फिर से रिवाइज करो, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस बार लिख के रख लो, एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, चांसेस है 95% चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है 0.05% एरर हो सकता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम सॉल्व करोगे तो 42.98 आएगा, वेरी गुड नफीशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
बताओ जल्दी से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या, किसने यूज किया है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने यूज किया है? जल्दी जल्दी बताओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने यूज किया है? वेरी गुड प्रणव। लोअर लिमिट में माइनस लगा देंगे प्रतिभा, आपने स्टैटिस्टिक वाली क्लास नहीं देखी है? हाई अपर लिमिट में प्लस करते हैं सिर्फ, लोअर लिमिट में उसी में माइनस लगा देंगे वन, जो भी हमारा जेड होगा क्रिटिकल वैल्यू इनटू सिग्मा एरर ऑफ मीन या जो भी होगा, ठीक है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। यस वेरी गुड समीर, वेरी गुड मुनमुन, बिल्कुल। यहाँ हमारा क्या होगा, डी पीटर डरकर। टेलर ने क्या दिया है, एल्टन मायो ने क्या दिया, जल्दी बताओ, टेलर ने क्या दिया है और एल्टन मायो ने? वेरी गुड, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट एल्टन मायो ने, वेरी गुड। प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन निशी, आप स्टैटिस्टिक की क्लास देखना, यहाँ ये मैंने पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है निशी? तो यहाँ पे फिर से बताने से अच्छा आप स्टैटिस्टिक की क्लास देखना, क्लियर हो जाएगा, और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, आप तो कोर्स के अंदर हो ना, बता दूंगी। बिल्कुल, एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशनल अप्रोच, हाँ वही मैं बोलने जा रही हूँ। नॉर्मन आर एफ मेयर जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये कौन है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम किया था, और इनकी कुछ मेजर वर्क जो है, जैसे इन्होंने एनिमल साइकोलॉजी पे वर्क किया, किस पे वर्क किया, एनिमल साइकोलॉजी पे, ठीक है, एनिमल साइकोलॉजी पे वर्क किया, फिर उसके बाद इनका कुछ बुक्स भी था ऐसी, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल साइकोलॉजी करके, फिर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन पे भी काम किया इस तरीके से, मतलब उन्होंने साइकोलॉजी पे वर्क्स करे, ठीक है, क्लियर? कल कौन सी एग्जाम है? अच्छा बीएड, क्या ऑप्शन था उसमें, था इसमें जो भी मैंने अभी बोला उसमें से कोई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ओ यही आंसर था, चलो गुड। थैंक यू प्रतिभा, अभी आप जो मैं डेली मॉक दे रही हूँ वो सब दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मैं बाबा बोल रही हूँ मेरी रिवीजन सीरीज 21 और 22 करो, फिर उसके ये सब जब कर लोगे ना, और तब एक्सपेक्टेड में जो मेरे क्लास में टॉप करेगा, समझ लो कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, डोंट वरी। थोड़ा मेरा मतलब एक पेपर मैंने लिखा है तो उसका कॉन्फिडेंस है, तो वो जाने दो, फिर मैं एक्सपेक्टेड भी कराऊंगी, तो वेरी गुड। यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्री कॉन्शियस लेवल है ना, प्री कॉन्शियस लेवल क्या, हमारी मेमोरीज को हमारा फोन नंबर, हमारा एड्रेस तुरंत लेकर के आ जाता है ना, तुरंत लेकर के आ जाता है हमारे दिमाग में। कॉन्शियस लेवल पे क्या होते हैं, हम उस समय एट द मोमेंट प्रेजेंट होते हैं, अनकॉन्शियस में हम कहाँ होते हैं, हाँ हाँ डोंट वरी ज्योति। और सुपरा कॉन्शियस लेवल क्या होता है, सुपरा कॉन्शियस लेवल ये और भी थोड़ा ऊपर होता है, जहाँ पे लेवल ऑफ द अबव द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रेशनल और लॉजिकल, ये थोड़ा ऊपर ही होता है, मतलब ये थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी की ओर चल जाता है। आपका तो ऐसे भी पकता है पुष्पलता, डोंट वरी। हाँ चलेगी राशि, वेबसाइट का जो लिंक है ना उससे सर्च करो, वेबसाइट का लिंक, या पल्लवी पाठशाला .in करके सर्च करो, गूगल पे आ जाएगा, या पल्लवी तामड़ा करके सर्च करो तो भी गूगल पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिल्कुल होगा, मेरे
कोर्स में आप इतना मेहनत कर रहे हो, रोज मॉक दे रहे हो, रोज टेस्ट दे रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, मुझे बताओ कैसे नहीं आएगा? हाँ ठीक है, ओके ज्योति। डेली टास्क कर रहे हो, डेली वर्क कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि आप मेरे आइकॉनिक बैच से ज्यादा बार रिवीजन कर चुके हो आप लोग, फिर क्यों परेशान हो गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज यहाँ क्या पूछा है, सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट में क्या होगा आंसर, है ना? तो आज यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टीचर शुड बी असिस्ट, टीचर के डिमांड और सप्लाई असिस्ट होने चाहिए। दूसरा बोला अकेडमिक सपोर्ट इन टीचर एजुकेशन, चूंकि टीचर एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, किसके, टीचर के नहीं, टीचर एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आज यहाँ पर हमारा 1-2 अभी तक तो नहीं होगा। दूसरा बोला करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन, बिल्कुल करिकुलम अपडेट होना चाहिए पहला चीज, क्योंकि टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को पीरियोडिकली मॉनिटर करना होगा, बिल्कुल सही, पीरियोडिकली मॉनिटर करना होगा वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। और तीसरा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि टीचर एजुकेशन के अंदर जो इम्प्रूव सिस्टमैटिकली तरीके से क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, है ना। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टीचर नहीं, ये नहीं देखना होगा कितना डिमांड है, मतलब टीचर का डिमांड 100 है और सप्लाई 500 है, इससे क्या सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट होगा, कुछ नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अकेडमिक सपोर्ट इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बी इंश्योर, अकेडमिक सपोर्ट ये तो होना चाहिए, बट ये किसके लिए, टीचर के लिए, अकेडमिक सपोर्ट तो मिलना चाहिए बट फॉर टीचर्स। इंस्टीट्यूशन के लिए पहले हमको देखना होगा कि करिकुलम है कि नहीं, प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुस्लता, वेरी गुड नीलू, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड सुचिता। वेरी गुड टीना। चलो आ तो देखते स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता, एक्सपेक्टेड की टाइम राशि, ठीक है मैं कोशिश करूंगी जब स्पेस यूनिट वाइज छोड़ के अलग से मॉक टेस्ट लू तब, ठीक है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता की बात करती है, जब हम नोवेल सिचुएशन यानी ये एबिलिटी टू एडजस्ट इन अ नोवेल सिचुएशन, नोवेल यानी किसी क्रिएटिविटी को नए सिचुएशन में एडजस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर रहे हैं, ये भी हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ये भी हमारी नहीं, ये सब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में आएगा। जब हम प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और प्रेजेंट सिचुएशन के बियॉन्ड जा रहे हैं, है ना, वर्तमान स्थिति से भी ऊपर जा रहे हैं, बियॉन्ड आध्यात्मिक की ओर जा रहे, तो वो हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है राशि, एक्चुअली ना मैं अभी जान मुझ के वैसे क्वेश्चन डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपको याद कराना है, इसलिए मैं थोड़ा कि ये किसने दिया वो किसने दिया, वैसे क्वेश्चन तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देते हैं ना, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी असर्शन रीजनिंग भी जब मैं एक्सपेक्टेड डालूंगी और फुल मॉक टेस्ट वगैरह अभी प्रिपेयर कर रही हूँ धीरे धीरे, तो वो सब जब करेंगे ना तब मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल आ जाओ, ठीक है एक मिनट यार, ये क्वेश्चन करो, यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा फुलटा हो गया, ये क्वेश्चन सही है और मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। चलो फिर भी सब आंसर देने लगते हो, बच जाओ।
फ्रॉम के बाद आगे गायब है, लेकिन याद करके सब आंसर दे, तो यही गलती है। साउंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग आउटर और मिडिल ईयर, तो ये किसमें था, ये हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में था, है ना। जब इनर ईयर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में था, और जब ब्रेन अनेबल है इंटरप्ट करने के लिए तो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर था। ठीक है, ये याद कराया है इंक्लूसिव एजुकेशन की रिवीजन क्लासेस में, तो ध्यान रखना। क्यों पूछ लेता, देखो मैंने अच्छे से कीवर्ड्स के साथ याद कराया, और आप लोगों को तो कीवर्ड वाला पीडीएफ भी दिया। चलो नेक्स्ट करो। मतलब होनहार बच्चे हैं सच में, ये सब फटफट आंसर भी देने लगे, एक बार भी कोई नहीं बोला कि मैम क्वेश्चन इधर उधर है। यही गलती करते हम एग्जाम में फिर, है ना, यही गलती हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आंसर नहीं करना है, आंसर नहीं करना है। हाँ, जिसका गलत हुआ है वो अच्छी बात है, जिसका गलत नहीं हुआ है। तो आज हमारा यहाँ सी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कैसे, आज इसको समझते हैं। होमोजीनियस टेस्ट का रिलायबिलिटी लो होता है, इतना तो हमको पता है कि होमोजीनियस टेस्ट का रिलायबिलिटी लो होता है, राइट। बट क्या बोला, रेंज ऑफ टेस्ट स्कोर, रेंज ऑफ, मान लो टेस्ट वन लिया उसके बाद स्कोर आया मान लो 50, टेस्ट का स्कोर टू लिया मान लो आया 48, टेस्ट थ्री लिया मान लो अगेन आया 49, ये क्या है, ये बिल्कुल आसपास है, तो ये क्या है, होमोजीनियस टेस्ट कह सकते हैं हम, और इसी वजह से इनकी रिलायबिलिटी लो है। ठीक है, आई मीन एक मिनट, ये मैं होमोजीनियस टेस्ट ये क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, ये मार्क्स नहीं कह रही, ये ध्यान रखना। ठीक है, पर इन्हीं मार्क्स का जब हम रिलायबिलिटी निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि रेंज सिमिलर आ जाए। रेंज कहने का सेंस है, मान लो किसी एक टेस्ट का लोअर रेंज आया 50 और हायर रेंज आया ये 49 या 47, तो जितना रेंज डिफर करेगा, रेंज मतलब डिफरेंस से जितना डिफर करेगा वो रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है पॉजिटिव अफेक्ट भी कर सकता है, नेगेटिव भी अफेक्ट कर सकता है। पॉजिटिव कब, जब रेंज क्या होगा बहुत ज्यादा होगा। यही तो गलती करते हैं, क्रैमिंग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने लर्नर्स को कब, जो भी अभी है, जबरदस्ती मैं बोलती हूँ अगर लर्न हो गया तो 10 दिन पीवाईक्यू बनाना छोड़ दो, लेकिन लर्न नहीं करना है, हर बार पढ़ो और हर बार कंसेप्ट के साथ निकालो तभी होगा। रेंज ऑफ टेस्ट स्कोर्स अफेक्ट रिलायबिलिटी, तो इसी वजह से। और ये दोनों में रिलेशन क्यों नहीं बोला, दोनों रिलायबिलिटी की बात करा, बट ये होमोजीनियस टेस्ट से लो रिलायबिलिटी की बात करा है। पर ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है टेस्ट के जो स्कोर्स आएंगे, जो उसका रेंज होगा, वो रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, वो पॉजिटिव भी कर सकता है, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट यानी नेगेटिव भी कर सकता है। इस वजह से ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, ये होमोजीनियस टेस्ट की बात कर रहा है और ये टेस्ट स्कोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, टेस्ट की बात कर रहा है और वो टेस्ट स्कोर्स की बात कर रहा था, इसीलिए दोनों डिफरेंट है। तो देखो ये वही चीज है जो मैंने अभी समझाया है, लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट करो। हाँ ओके आमदीन, आपको तो रिकॉर्डिंग मिलेगा कोई बात। और ख्याल रखो अपना और पापा का भी, ठीक। अब जो यहाँ पे पूछ रहा है बताओ, बिल्कुल आज यहाँ क्या बोल रहे हैं, टीचर ना लिस्ट बना रही है जो भी नई बुक्स आई हैं उनका, जो भी नई बुक्स आई हैं उनका लिस्ट बना रही है। मुझे पता था आधे से ज्यादा नॉमिनल आंसर दोगे, पर पूरा पढ़ो। उसका लिस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स एज रिपोर्टेड। मान लो मैंने 4 बुक ऑर्डर करा था, एक मैंने साइकोलॉजी की बुक ऑर्डर की थी, एक मैंने फिलोसफी की बुक ऑर्डर की थी, एक मैंने करिकुलम की बुक ऑर्डर की थी, और एक मैंने पेडागॉजी की बुक ऑर्डर की। अब मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स आई हैं, है ना। अब मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स आई हैं, तो मैंने चेक किया कि साइकोलॉजी की 5 बुक है, फिलोसफी की 3 बुक है, करिकुलम की 2 बुक है, लेकिन जो पेडागॉजी है उसकी 0 बुक्स है।
ये जब हम बोल रहे हैं एक की पांच है, तीन है, दो है, जीरो है, यानी रियल में पेडागोगी की कोई बुक नहीं आई है, ट्रू है पेडागोगी की कोई बुक नहीं आई है, इस वजह से ये रेशियो के अंदर आएगा, ऑर्डिनल हो नहीं सकता, क्योंकि रैंक थोड़ी बता रहा है कि साइकोलॉजी टॉप कर गया और फिलोसफी फेल कर गया, रैंक तो बता नहीं रहा, इंटरवल में डिस्कस नहीं कर रहे कि इतने से इतने के रेंज में बुक्स हैं, हम ये बोल नहीं रहे हैं। नॉमिनल में अगर हम सिर्फ बोल देते कि हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, सिर्फ बुक्स का नाम लिख रहे हैं तो चलता, पर ये क्या बोला है, ये लिख रहा है लिस्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स रिपोर्टेड, कितनी बुक्स रिपोर्टेड हुई है। हो सकता है कोई बुक ऐसा होगा जो बिल्कुल भी रिपोर्ट ना हुआ, और जब जीरो आ गया तो हमारा क्या होगा, ट्रू जीरो आ गया तो हमारा रेशियो होगा। क्लियर? मुझे पता था कि सब इसमें नॉमिनल बोलोगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। 25। वेरी गुड मुनमुन। और अभी तक सबने लाइक नहीं करा, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा लाइक करो गाइस। कितने कंजूस हो आप लोग, लाइक और कमेंट में भी शर्माते हो। हाँ बिल्कुल निश्चय, एब्सोल्यूट जीरो, वेरी गुड। किस लिए नाइस आरती? और नीलू क्या बोले, कैसे मैम, कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे नीलू? सी ए, सोचो सोचो सोचोगे तो होगा, क्वेश्चंस को पढ़ो पढ़ोगे तो होगा। आ जाओ, यहाँ क्या पूछा है, अब ये सारे सर्विसेज पूछा है, और ये सारा सर्विसेज मैंने पढ़ाया है गाइस, एक एक सर्विसेज को पढ़ाया है। सबसे पहले आ जाओ हम लोग देखते हैं इसमें, और आज की पीवाईक्यू में भी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था, सॉरी आज की मॉक में। तो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्या है, फॉलो अप सर्विसेज, डिटरमाइन द पेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ फॉर्मर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट। क्या बोलना चाह रहा है ये समझो, ये फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आप पहले कैसे थे, मान लो जैसे कि, जैसे मान लो ऐसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आई डोंट नो वो अभी निष्ठा मेरी क्लासेस देख रही है या नहीं, निष्ठा हो गई, रजनी हो गई, जिन लोगों को मैंने लास्ट टाइम गाइड करा था, एक एक पॉइंट, एक एक टास्क, सब कुछ, तो इन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, JRF आ चुका है इन लोगों का, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन लोगों का JRF आ गया, ये उस समय आ गया, बट अब मैं क्या करती हूँ, फॉलो अप लेती हूँ, कहीं PhD में एडमिशन लिया, कहीं जॉब लिया, कुछ लिया, ये क्या है, ये फॉलो अप कर रही हूँ, यानी उनकी प्रेजेंट प्लेसमेंट की बेस पे मैं क्या कर रही हूँ, उनको फॉलो अप कर रही हूँ, यानी उनका प्रोग्रेस देख रही हूँ, फॉर्मर पीपल का, पुराने जो बच्चे हैं उनका मैं अभी जो प्लेसमेंट है उस बेसिस पे उनका क्या पेस है, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो देख रही हूँ, और वो होता है मेरा फॉलो अप। ठीक है, दूसरा बोल रहा है क्या, प्लेसमेंट सर्विसेस। प्लेसमेंट सर्विसेज क्या है हमारा, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिसाइड करना होता है, असिस्टेंस आपको दिया जाता है प्लेसमेंट सर्विसेज में, कि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, प्लेस इधर जाना है, किस साइड जाना है, आपको हेल्प दिया जाता है ताकि आपको डिसाइड किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन और स्पेक्स रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर जॉब फॉर मैचिंग द इंडिविजुअल विद द जॉब कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या, ये कहाँ करेंगे हम, जॉब कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम मैच करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताओ, बिल्कुल आएगी रजनी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, पार्टिकुलर जॉब फॉर मैचिंग द इंडिविजुअल विद द जॉब कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मुझे घी शक्कर नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो मैच कर रहे हैं, यानी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरी मेरी कैपेबिलिटी 1, 2, 3 ये है, और जो जॉब इसके साथ मैच हो रहा है ये मैच हो रहा है, इसके साथ ये मैच हो रहा है, इसके साथ ये मैच हो रहा है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेट इज जॉब एनालिसिस। ठीक है, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन, यहाँ क्या है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा क्या, लिंकिंग टू अ पार्टिकुलर जॉब बाय अ पर्सन विच इज विजिबल थ्रू गेस्टर्स, गेस्टर्स से विजिबल है, हम पूरा खुश हैं, पूरा डांस कर करके जॉब कर रहे हैं, पूरा पूरा मस्ती में जॉब कर रहे हैं, कोई भी बोलता है कुछ भी, ओ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जॉब सेटिस्फेक्शन, मजे में जॉब ले रहे हैं, हेलो कर। ठीक है, तो याद रखना ये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
9 हो गया है, लेकिन 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्या, कम से कम 15 मिनट और कर लेंगे तो कम से कम 30 32 क्वेश्चंस हो जाएगा, तो कर लें। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड डीलू। तो आज यहाँ पूछ रहा कौन सी रिलायबिलिटी के केस में कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। रिलायबिलिटी फिक्स होता है किसी भी गिवन टेस्ट के लिए? नहीं, फिक्स तो होता नहीं है, तो ये तो गलत। इट इज कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद इटसेल्फ, हाँ कोरिलेशन है। वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, यस वेरी करता है ये, सैंपल साइज से अफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं अफेक्ट होता है, सैंपल साइज बड़ा हो या छोटा अफेक्ट करेगा। हाई रिलायबिलिटी इंश्योर्स हाई वैलिडिटी, ये उल्टा स्टेटमेंट। अगर मेरी वैलिडिटी हाई है तो मान लेते हैं कि मेरी रिलायबिलिटी भी क्या होगी, वो परफेक्ट होगी। बट अगर हम बोल रहे हैं मेरी रिलायबिलिटी हाई है तो वैलिडिटी हाई हो नॉट नेसेसरी, पर वैलिडिटी हाई है तो रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी, ये जरूरी है, या वैलिडिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी की सियोरिटी लेके आता है, ठीक है। तो इसलिए यानी वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, बट रिलायबिलिटी नॉट इंश्योर्स वैलिडिटी। नेक्स्ट करो, कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकम इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर इंक्लूडेड टू प्रोवाइड, हाँ डी वाइज वर्सा है। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड पुष्पता, वेरी गुड सुचिता। सुचिता सी क्यों दे रहे हो? बिल्कुल आज यहाँ पर हमारा क्या है, एक्विजिशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि प्रैक्टिकम बोला है, वैल्यू ओरिएंटेशन की तो बात करेंगे नहीं। अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सिर्फ थोड़ी बोलना है, तो ये भी होगा नहीं, है ना। एक्सपोजर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपोजर के लिए सिर्फ होता है या ओवरऑल सभी चीज के लिए एक्सपोजर के लिए होता है, तो इसलिए ये भी नहीं। हमारा सीधा क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की एक्विजिशन के लिए। प्रोफेशनल में क्या आएगा, हमारा सारा टीचिंग स्किल सब कुछ। चलो ये करो, आई देखो ये सीधा सीधा टॉपिक को ही उठा के क्वेश्चन पूछ दिया, इसीलिए जब लास्ट 10 डेज के लिए मैं बताऊंगी ना कि आपको कैसे रिवाइज करना है, ये पता करने के लिए कि आपको याद हुआ है कि नहीं, तो उस समय बताऊंगी कि कैसे टॉपिक से याद करना है चीजों, अभी नहीं, अभी बताऊंगी तो सब सोचोगे वही चेक करने लगोगे, इसलिए अभी नहीं। ओके ओके सुचिता, बिल्कुल। यहाँ क्या होगा हमारा, ए ऑप्टिमल का मतलब सबसे हाईएस्ट, राजेश गलत, दुर्गेश्वरी गलत, मिनिमल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यस रजनी। ऑप्टिमल का मतलब होता है इष्टतम, देखो ना हिंदी में भी लिखा है, ऑप्टिमल मतलब हाईएस्ट, जब भी ऑप्टिमल बोल रहे तो ध्यान रखना हाईएस्ट, आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हाईएस्ट, ये सब। वेरी गुड संध्या, ठीक है सुब्रत, ऑप्टिमल मतलब हाईएस्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट करो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटी कौन नहीं है। वेरी गुड, एस्फिक्सिया नहीं है, एलेक्सिया कौन सी, एलेक्सिया भी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसग्राफिया भी जब हमको रीडिंग प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया भी जब हमको रीडिंग प्रॉब्लम, और एस्फिक्सिया कौन सा, जब ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है तब, ठीक। ए नहीं सुब्रत, यस बिल्कुल, ए वाले गलत हो। एलेक्सिया हमने पढ़ा है, याद करोगी, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की कॉपी निकालो, नोट्स निकालो, देखो उसमें एलेक्सिया पढ़ा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट करो, ये तो सिंपल सा है, जल्दी से बता दो इसको। क्वेश्चन यही तक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया, यस लैक ऑफ ऑक्सीजन।
करो, कहाँ रह गए सब, सॉल्व कर रहे हो क्या? वेरी गुड सुचिता, सॉल्व करके बताया है। तो आ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आंसर हमारा 99 होगा, है ना? यस, वेरी गुड राजेश, बिल्कुल आंसर 99। ऐसे तो 99 नहीं आता, आंसर रियल में क्या आता है बताओ? आंसर रियल में 97 समथिंग आ रहा है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए हम 99 पे जाते हैं। यस, हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम इस पे जाते हैं, ठीक है? तो कैसे आया है, स्टैटिस्टिक की क्लास में बताया गया इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक का वीडियो देखो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो। वेरी गुड संध्या, यस नफीशा, तो ऑप्शन में नहीं है ना नफीशा, इस वजह से हमको उसका हायर लेना होगा, क्योंकि 95 तो लोअर हो जाएगा, लोअर ले नहीं सकते इसलिए हायर लेंगे। यस, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अब बोल रहे लर्निंग डिसेबल चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं हो सकता है? ये भी मैंने कराया है, जब मैं पढ़ा रही थी लर्निंग डिसेबिलिटी तो मैंने स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स पे फोकस करा था कि ध्यान रखना कि जो लर्निंग डिसेबल वाले बच्चे होंगे उनमें ये नहीं होगा। यस, वेरी गुड मधुस्मिता, सुचिता आप वहां से यहाँ क्यों भाग के आ गए? मैं सोचू पहले यहाँ देख रही थी, अभी यहाँ देख रही। सी, ओके, कुछ लोग सी बोल रहे हो, ठीक है, बाकी लोग बताओ। बी, अच्छा तो चलो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा। तो बिल्कुल सही, जो लोग बी बोल रहे हो वो सही हो, सी वाले गलत हो। क्यों? आ जाओ याद करो, मैंने बताया था चाइल्ड लैक्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू लर्न, ठीक है? जो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड हैज सीरियस डिफिकल्टी इन बेसिक अकेडमिक, देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चाइल्ड पोटेंशियल एंड अकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है? और चाइल्ड हैज विजुअल और मोटर लर्निंग, ये डिसेबिलिटी की वजह से लर्निंग डिसेबल हो ये तो होगा नहीं, सिक्स तो होगा नहीं, सिक्स कहीं नहीं दिया हुआ, तो ऐसे भी एलिमिनेट करने वाला था तो चलो हुआ नहीं। एक बार चाइल्ड हैज सम मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, ठीक है? चाइल्ड में कुछ मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन है, सब सी दे रहे हो, क्यों भाई हम गलत हैं क्या? बताओ भाई, चाइल्ड हैज मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, ठीक है? तो ये होगा, ये बोल रहा है चाइल्ड लैक्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू लर्न, लर्निंग डिसेबल के कैरेक्टरिस्टिक यही है कि लर्निंग, ऐसा तो नहीं वो मोटिवेशन नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, ठीक है? हम सही है, मतलब हम गलत हैं। अच्छा, बी सही है ना? हाँ ठीक, क्लियर? हाँ तो क्लियर है, ये ध्यान रखना है इसमें। चलो ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट मोटिवेशन, या पहली बात तो ये डिसेबिलिटी की वजह से उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती ही नहीं है, स्पेशली उनको इन रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको इसमें आती है, तो ये दो तो मेरा होना ही होना है, तो टू और थ्री कहाँ दिया है, इसी में तो दिया है, इस वजह से मेरा 2, 3 और 5, ठीक? ये दोनों की वजह से हमको ये ऑप्शन ऐसे भी चुनना पड़ा। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हाय, 8 बजे स्टार्ट हुआ जैनब, आपको पता नहीं चला, मैंने टेलीग्राम पे शेयर तो किया था लिंक, अब तो हमारी खत्म होने वाली है। बिल्कुल आ जाओ यहाँ, फिर अलग अलग आंसर दे रहे हो, सी और डी। क्या पूछा है? डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई डोज विच रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, तो आ जाओ। इट इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स, बिल्कुल सही, मैक्सिमम यूज ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड ईटी, ऐसा थोड़ी है हार्डवेयर खाली यूज किए तो वो ईटी हो गया, नहीं, हम सॉफ्टवेयर में इतने सारे टूल्स आ गए, इतने सारे चीजें आ गई हैं सॉफ्टवेयर में भी, वो भी तो मेरी ईटी के अंदर आती थी, ये तो गलत हो गया। फिर
बोल रहा है फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर। गुड इवनिंग सस्मिता, सिर्फ सॉफ्टवेयर, तो ये भी गलत हो गया। 37 तो पूछा ही नहीं, तो ये दोनों मेरा गलत हो गया। ये सिर्फ हार्डवेयर, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर, अगर दोनों को बोलता तो हम मान लेते, लेकिन दोनों को अलग अलग बोला इसलिए हम नहीं मानेंगे। फिर ईटी यूज फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, कह रहा है कि ईटी को सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं। ये थोड़ा सही है, हम इसको लेके चलते हैं, पर हमको ऑप्शन के साथ भी चलना है। और मेरे अगर हम ऑप्शन के साथ चले, वन तो होना ही होना है, मेरे पास कहीं भी इन दोनों ऑप्शन में फोर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये भी मेरा ठीक है, हम क्लासरूम की पार्टिसिपेशन में बढ़ाना चाहते हैं उनको, ठीक है। पर नेक्स्ट बोल रहा है ईटी ऑप्टिमाइजेस लर्निंग आउटकम्स, ये सबसे मेजर पॉइंट होता है। ईटी हमेशा, हाँ देख लो, एक घंटे तक रहेगा शायद ये लाइफ, उसके बाद नहीं रहेगा। तो ईटी ऑप्टिमाइज करेगा लर्निंग आउटकम्स, तो हमारा ईटी ऑप्टिमाइज करेगा 5। और डिजाइनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग आउटकम इज फैसिलिटेटेड, अगेन टीचिंग लर्निंग आउटकम है ना, और यहाँ भी लर्निंग कंडीशन, तीनों देखो लर्निंग आउटकम लर्निंग कंडीशन इसमें कराया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 1, 5, 6, फिर से कराऊं, वो तो कराया हुआ है, फिर से कराऊं, इससे अच्छा हम लोग पीछे चलेंगे, 18 के बाद 17, 16 ऐसे करेंगे। चलो नेक्स्ट करो, वो तो अभी आपको 20 दिन का स्ट्रेटेजी दिया है ना, कि PYQ का वीडियो रोज मेरी एक एक 30 दिन में, अगर आप मेरी रोज एक एक PYQ वीडियो भी स्पीड करके देख लोगे तो आपका वो PYQ लिस्ट खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कंसेप्ट एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीख लोगे, हाँ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीख लोगे। बिल्कुल, आज आप पूछ रहे हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है मैनेजमेंट से, तो मुझे बताओ पहले कि रूल कहाँ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बनता है या मैनेजमेंट में बनता है, और अगर इसमें बनता है तो फॉलो मैनेजमेंट करता है, या अगर मैनेजमेंट में बनता है तो फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, बताओ रूल कौन बनाता है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन यानी UGC मान के चलो, यस एडमिनिस्ट्रेशन यानी UGC मान के चलो, और मैनेजमेंट यानी यूनिवर्सिटीज मान के चलो, तो यही तो रूल्स बनाती है। तो ये क्या बोल रहा है, एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग प्रोसीजर्स स्टेटस क्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो चीज जैसे चल रहा है स्टेटस क्यू, अपनी उसी स्थिति में वो चीजों को फॉलो करते हैं, और लिमिटेड शेयरेबिलिटी ऑफ डिसीजन होता है, यानी कहने का सेंस है डिसीजन लेते समय वो लिमिटेड शेयरेबिलिटी होता है उनका, आफ्टर डिसीजन वो पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं, पर पहले जब डिसीजन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लिमिटेड शेयर स्टेटस क्यू के बेस पे चलता है। यस, एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड बाई मैनेजमेंट, तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ बोल रहा है एम्फेसिस ऑन ट्रेंड सेटिंग एक्सीलेंस एंड मल्टीप्लाइंग डिसीजंस, फिर बोल रहा है स्ट्रेटजी नेटवर्किंग, ये सब क्या ऑन करेगा, ये मैनेजमेंट करेगा। एम्फेसिस ऑन गेटिंग रिजल्ट्स फोकस करेगा, शेयरेबिलिटी ऑफ डिसीजंस ये मैनेजमेंट करेगा, ये मैनेजमेंट के की पॉइंट्स हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट करो, इसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, है तो बहुत सार, मैं सोची थी 50 करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम लोग अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, 2021 फिनिश करके फिर इंडियन लॉजिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब कोई को लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। निशी पॉल पे, एक्चुअली पॉल पे पॉल देने में टाइम लग जाता है मुझे, 5 मिनट उसमें बार बार लॉग इन करो, तो उससे ज्यादा आसान मुझे यही पड़ता है। यस, आ जाओ यहाँ देखते क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई दोज अल्टरनेटिव्स विच कंट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी पे कंट्रीब्यूट करेगा, तो कौन सा होगा, ऐसे अल्टरनेटिव बताओ जो सोशल मोबिलिटी यानी सोसाइटी में मूवमेंट का, तो बताओ बिल्कुल 1 और 3, क्यों, प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, हम जितना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देंगे वो सारा, फीलिंग डिसइल्यूजन फ्रॉम प्रीवियस कंडीशन, मतलब डिसइल्यूजन मतलब कहने का सेंस क्या है, ठीक है अगर 50 करने के लिए आप लोग रेडी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, डिसइल्यूजन ये गलत है, प्रीवियस कंडीशन से डिसइल्यूज्ड है ना, वो भंग है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर बोला टेक्नोलॉजी बेस्ड पोटेंशियल फॉर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पोटेंशियल सोशल मोबिलिटी सोसाइटी मूव करी है, तो ये सही है, पर ये बोला अपैथी, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट,
लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड लिविंग, ऐसा तो ये सोशल मोबिलिटी है नहीं कि हम अपना जिंदगी और लिविंग से लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, नो। और ट्रेडिशनल लिंकेजेस ऑफ बिहेवियर, अगर हम ट्रेडिशनल से ही जुड़े रहेंगे तो मोबिलिटी कैसे होगा, हमें आगे भी तो बढ़ना होगा ना, तो इसीलिए ये भी गलत। सिर्फ बचा क्या, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, ठीक है, वन एंड थ्री। चलो नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो। जैन मेटाफिजिक्स का पूछ रहा है, नेक्स्ट करो। अच्छा ठीक है, जैसा बोलोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, ओके, ये लास्ट करके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो, जैन मेटाफिजिक्स का पूछ रहा है, बताओ। तो देखो पहला पॉइंट बोला रियलिटी इज डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, कमी। तो मुझे बताओ जैन मेटाफिजिक्स में तो प्लुरालिटी की बात ही करते हैं, अनेकांतावाद, तो ये तो होगा नहीं, गलत। फिर नेक्स्ट लाइन बोला रियलिटी इज कैरेक्टराइज बाई मेरीनेस, ये इसका बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही, तो ये गलत हुआ तो ये सही होगा, ठीक। तो दूसरा मेरा सही है, दूसरा जहां जाए उसको रखते हैं, यहाँ नहीं है इसको कट करते हैं, यहाँ नहीं है इसको कट करते हैं, ठीक है। फिर आ जा बोला एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्सियसनेस, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा पूर्ण, और यहाँ तो पूर्ण नहीं होता ना, शायद ये है, शायद ये नहीं है, हम कोई चीज नहीं बोल सकते कि यही चीज होगा, फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करी रजनी, हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि यही होगा, हम श्योरिटी नहीं, हम शायद बात की बात करते हैं, शायद ये है, शायद ये नहीं है, शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता है, शायद ये हो है ही नहीं, हम वो बात करते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की बात नहीं करते, इसलिए गलत। नेक्स्ट बोल रहे क्या, द वर्ल्ड इज रियल एंड निर्वाणा इज ऑल्सो रियल, नहीं, वो निर्वाणा वर्ल्ड को रियल एंड निर्वाणा को रियल नहीं, ये दोनों मेनिनेस के अंदर आता है हमारा, हमारा मैटर और उसकी बात करता है ना। फिर बोला कर्मा, हर चीज का लिंक क्या है, कर्मा है, बिल्कुल, हर एक चीज में हम घिरे हुए कर्मों से, याद करो मैंने बताया था, अर्शव द्वार से इंटर करते हैं, सर्वर द्वार से रोकते हैं, वो सारा। फिर मैटर एंड स्पिरिट आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, मैटर और स्पिरिट दोनों सेपरेट है और इंडिपेंडेंट रियलिटी है, तभी तो प्लुरालिटी की ओर जाएंगे, मैटर भी कई सारे और हमारी जो स्पिरिट है वो एक, तो मिलके अनेकांता बनेंगे, मेनी बनेंगे, तो इस वजह से हमारा 4, 5 और 6, आई मीन 2, 5 और 6 सही है, ठीक है, 2, 5 और 6 सही है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी क्वेश्चंस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, निर्वाणा टर्म समझो ना, बोल रहा है वर्ल्ड भी रियल है और निर्वाणा भी रियल है, ये इसलिए बोल रहा है, और हम हर कुछ कोई भी चीज को नहीं, हमें यहाँ सब कुछ शायद बाद है, वर्ल्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, निर्वाणा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर निर्वाणा हुआ है तो हम यहाँ वो पूरा पूरा सियोरिटी के साथ बोल रहा है। यस यस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 8210134703 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। यस प्लीज सेशन को लाइक करके जाओ और अपने दोस्तों को शेयर करके जाओ, कल याद रखना, कल हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट 2021 के क्वेश्चंस को करेंगे फास्ट ट्रैक में, ठीक है। ओ नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, कल टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं करेंगे, कल सुबह 6 बजे मैं खुल गई थी, सॉरी, कल सुबह 6 बजे हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, यूनिट 7 के PYQ करेंगे, ठीक है, यूनिट 7 के PYQ करेंगे। और अगर मैं शाम को घर चली गई, क्योंकि मैं 1.5 महीने से घर नहीं गई हूँ, तो अगर मैं शाम को घर चली गई तो फिर शाम की क्लास नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। सो चलो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 AM प्लीज बी प्रेजेंट, क्योंकि वो लाइव ही रहेगी फॉर श्योर, तो प्लीज बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि किसी का छूटना नहीं चाहिए। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट। चलो और सब फीडबैक दे देना कैसा लगा आज का सेशन।
और कंजूसी नहीं करेगा कोई, सब फीडबैक दो कैसा लगा सेशन और